वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस, दिस इज विविन एंड यू आर वॉचिंग विविन्स व्लॉग। सो आज का जो वीडियो होगा दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने खोल चुके हैं बट उन्हें जानकारी है नहीं इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूट्यूब के रिलेटेड मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बात कर रहे हैं यूट्यूब का, सो लेट थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ यूट्यूब? यूट्यूब इज़ नथिंग बट इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, आर्टिस्टिक, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, हर तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल सकता है। इट्स लाइक अ सर्च बार। यूट्यूब एनी वन कैन ओपन हिज ओन इंडिविजुअल अकाउंट विद इट सिंगल जीमेल अकाउंट। If you are 13 years of old, then only you can open your own individual YouTube account. अगर आपको open करना है तो then आपके parents या फिर guardians they have to open it for you. But वो उनका account होगा, आपका खुद का individual account नहीं होगा। Why YouTube? मैं आपको बताना चाहूँगा guys कि YouTube पे इतनी growth क्यों है और हम क्यों YouTube पे अपना जो account है वो create करें। अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बड़े MNC कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो या फिर अगर आपको एक्टर बनना है या फिर सिंगर बनना है या फिर कोई भी यू नो लाइक क्रिएटिवनेस आपको बाहर दिखाना हो, तो अगर आप किसी बड़े प्रोडक्शन के पास जाओगे तो वो आपको सबसे पहले पूछेंगे डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी बड़े MNC कंपनी में जाएंगे तो पूछेंगे डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। Then they will count that experience whether it is countable in their point of view. तब जाके वो आपको cast करेंगे या फिर वो आपको job देंगे। YouTube पे ऐसा कोई भी पूछता है नहीं, अगर आपके पास experience है तो आ जा, ऐसी बात होती नहीं है YouTube पे। YouTube पे आप Gmail account खोलो, अगर आपके पास talent है show your talent, उस talent को और आगे बढ़ाओ, उसे improve करो और फेमस हो जाओ। फेमस तो होना ही है हमें। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ, तुम अपना टैलेंट दिखाओ, काम करो उस पर और उसे आगे बढ़ाओ, इम्प्रूव करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो ये यूट्यूब है। ओके पीपल, सो हाँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी बात है गाइस। अगर आप YouTube चैनल खोलना चाहते हो तो आपको चैनल खोलने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है, वो है YouTube के कॉपीराइट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको अपना चैनल बचा सकते हो या फिर आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो सकता है। अगर चैनल पर स्ट्राइक आती है तो मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है, कितने कितने स्ट्राइक होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो ये कॉपीराइट क्या होती है? सो कॉपीराइट इज यू शुड ओनली अपलोड कंटेंट इंक्लूडिंग म्यूजिक वीडियोस एंड ऑडियो दैट यू क्रिएटेड और दैट यू आर ऑथराइज्ड टू यूज, अदरवाइज दिस कुड रिजल्ट इन अ कॉपीराइट वायलेशन। इफ यू यूज समवन एल्स कंटेंट ऑन योर YouTube चैनल द कॉपीराइट ओनर कैन सबमिट अ टेकडाउन रिक्वेस्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी दूसरे का जो म्यूज़िक होगा या फिर उसका कोई क्लिप अगर आप अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हो विदाउट हिज परमिशन, वो क्रिएटर आपके चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम मार सकता है एंड ही विल रिक्वेस्ट यू टू टेक डाउन दैट वीडियो। तो आपको वो वीडियो हटाना ही पड़ता है। वो वीडियो नहीं हटाओगे फिर आती है स्ट्राइक। ये तो हो गया कॉपीराइट का क्लेम। वो बस आपको रिक्वेस्ट करेगा भाई मेरा जो वीडियो है वो हटा, मेरा जो कुछ भी तूने यूज़ किया है वो हटा दे। अगर आप वो भी नहीं करोगे फिर आती है स्ट्राइक। अभी स्ट्राइक क्या है और कितने कितने स्ट्राइक होते हैं ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो है स्ट्राइक ये किसी भी यूट्यूबर को पसंद होता नहीं है। तो इससे क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो यूट्यूब पे होते हैं 3 स्ट्राइक। तो पहला स्ट्राइक में होता क्या है, आपको जो वीडियो है
वो आपका हो जाता है डीमोनेटाइज। अब डीमोनेटाइज एंड मोनेटाइज ये भी दो टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। और ये फर्स्ट स्ट्राइक का हो गया। सेकंड स्ट्राइक में आपका जो वीडियो होता है वो होती है डिलीट। फिर आप 2 वीक्स तक कोई भी कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाओगे। और सेकंड स्ट्राइक कब आती है, 90 डेज आफ्टर द फर्स्ट स्ट्राइक। 90 डेज ऑफ सेकेंड स्ट्राइक, तब आती है थर्ड स्ट्राइक। अभी थर्ड स्ट्राइक पे होता क्या है, बस एक मेल आता है कि आपको ये ऐसे ऐसे स्ट्राइक आ चुका है, और उस मेल में होता है दैट दे आर गोइंग टू डिलीट योर यूट्यूब चैनल परमानेंटली। आप उस जीमेल आईडी से कभी भी यूट्यूब चैनल अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। आपको दूसरा कोई जीमेल अकाउंट यूज़ क्रिएट करना होगा, देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन यूट्यूब अकाउंट। इतना नॉलेज से काम करो कि इतने स्ट्राइक ना आए। और अगर गाइस स्ट्राइक भी आती है ना, एक भी स्ट्राइक, तो आपका चैनल का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। सो विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट गुड फॉर क्रिएटर लाइक अस। क्रिएट योर ओन कॉन्टेंट, मतलब खुद अपने चैनल का हीरो बनो, खुद अपने चैनल का डायरेक्टर बनो, एडिटर बनो, या फिर सब खुद करो। एंड ट्राई टू बी योरसेल्फ, मतलब ये मेरा कंटेंट है, आगे जाके लोग आपकी एग्जांपल दे यार ये तो इसका कंटेंट है। सो मेक श्योर गाइज यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्राई टू बी योरसेल्फ, दैट्स इट। और एक बात गाइज, यूट्यूब पे बस म्यूज़िक वीडियो के भी नहीं, और बहुत सारे कॉपीराइट के इशू आ सकते हैं या फिर स्ट्राइक के इशू आ सकते हैं। वो है नो सेक्सुअलिटी, नो वॉयलेंस, मतलब आप कोई भी सेक्सुअलिटी के सीन नहीं दिखा सकते हो, या फिर कोई भी वॉयलेंस नहीं दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पे किसी को झगड़ते देख रहे हो, डोंट शूट दैट। और अगर आप शूट भी कर रहे हो, डोंट अपलोड इट ऑन यूट्यूब, मतलब फाइटिंग और वॉयलेंस विच इज़ अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब। सो देर आर मैनी प्लेंटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, आप एक बार गूगल कर लो, खुद को मतलब अंडरस्टैंड कर लो वो, फिर जाके चैनल खोलना, फिर जाके अपने कॉन्टेंट पर काम करना, विच विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज। मैंने ये जो मेन थिंग था, जो बेसिक थिंग था, वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, एंड अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। मुझे 1 साल हो चुका है यूट्यूब चैनल ओपन करके, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग दैट इज़ मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। सो मोनेटाइजेशन इज़ नथिंग बट, सरल भाषा में, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, इसका मतलब आपके वीडियो पे एड्स चल रहे हो। अगर एड्स चल रहे हो दैट मीन्स यू आर गेटिंग पेड, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। एड चल रहे मतलब हम पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से। बट मोनेटाइजेशन होने के लिए भी 2 रूल्स है। यूट्यूब के पास बहुत रूल्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है गाइज। दैट इज़ एक्चुअली वो रूल होना चाहिए, बिकॉज ये पहले रूल नहीं था। आई थिंक ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है 2018 में। फर्स्ट रूल इज़ योर चैनल शुड हैव एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। सेकेंड रूल इज़ योर चैनल शुड कम्प्लीट 4000 वॉच आवर्स। मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर्स, ये है आपके पास, आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, आपके वीडियोस पे ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास स्ट्राइक आती है उससे पहले, तो भाई भूल जाओ, फिर आपका जो है वो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपका जो मोनेटाइजेशन ऑन करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवॉइड स्ट्राइक्स, अवॉइड कॉपीराइट। अगर आपका चैनल नया है तो ये 3-4 चीज़ जो है वो अवॉइड करो और आगे बढ़ो। तो और डीमोनेटाइजेशन इज़ नथिंग बट नो रनिंग एड्स ऑन योर वीडियो, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग पेड। अभी फ़िलहाल तो मेरा डीमोनेटाइज ही है, बिकॉज मेरा 1000 सब्सक्राइबर अब तक कंप्लीट हुआ नहीं है, दैट्स द रीज़न मेरा जो वीडियो पे एड्स नहीं है। यू नो, स्कूल में भी जाते तो वहाँ पे भी हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर्स के पहले लोग कुछ भी अपलोड करते थे,
मतलब वल्गैरिटी कुछ भी और वह पैसे कमाते थे। तो YouTube ने क्या किया, जिनको सही में यूट्यूबर बनना है वो मेहनत करे, 1000 सब्सक्राइबर गेन करे, 4000 वॉच आवर्स भी गेन करे, तब जाके आपका जो चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इन शॉर्ट, ज़्यादा कचरा नहीं रहेगा यूट्यूब पे, जो कुछ भी रहेगा जेन्युइन क्रिएटर रहेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट थोड़ी मेहनत भी है, वो अभी क्रिएटर लाइक अस वो हमें करना है। तो बस ये चीज़ हमेशा याद रखना और अपने आप को इम्प्रूव करो, खुद का कंटेंट बनाओ, खुद का जो है सब कुछ क्रिएट करो। अगर आपको म्यूज़िक चाहिए नॉन कॉपीराइट वाले, यूट्यूब के लाइब्रेरी में जाओ, देर आर प्लेंटी ऑफ म्यूज़िक, देर आर प्लेंटी ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स, आपको सब कुछ मिल जाएंगे वहाँ पे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर, तो यूट्यूब पे एक चैनल है NCS, दैट इज़ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, वो आप डाउनलोड करो, यूट्यूब पे डाल दो, कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा आपको। बस किसी का कंटेंट कॉपी मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा व्लॉग है। तो बस ये थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मुझे आपसे शेयर करनी थी। सो वेलकम ऑल न्यू क्रिएटर्स, आप आ सकते हो यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस चोरी चपाटी मत करना, दैट्स इट। तो यूट्यूब पे आने के लिए कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक जीमेल अकाउंट, दैट्स इट। तो बस मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक, हिट अ लाइक। अगर आपको नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर लविंग माई कॉन्टेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़, 1K सब्सक्राइब करना है मुझे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ। और बस यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।